पांच का पंच में। तो चलिए डालते हैं आज की पांच बड़ी खबरों पे नजर, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पांच के पंच में आज जो खबरें हैं उनमें पहली खबर होगी नवजोत सिंह सिद्धू की, तो वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की, तीसरी खबर की अगर बात करें तो वो संसद में हंगामे की होगी, और वहीं चौथी खबर में रायपुर में 3 करोड़ के हीरे चोरी हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। पांच के पंच में आखिरी खबर होगी भारतीय जर्नलिस्ट दानिश की मौत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पांच के पंच की खबरों का सिलसिला। पांच के पंच की पहली खबर है नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी मुलाकात पर अभी तक असमंजस बना है। कैप्टन ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए शर्त रखी थी कि पहले वो उनसे माफी मांगे, लेकिन यह बात उन्होंने पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत से की। इसके बावजूद सिद्धू ने कोई माफी नहीं मांगी, और इससे पहले ही रविवार रात को सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पांच के पंच में दूसरी खबर है संसद का मॉनसून सत्र, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसमें नए मंत्रियों का परिचय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे सके। जी हां, संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। नए सदस्यों की शपथ के बाद मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के 8 मिनट बाद ही विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे। प्रधानमंत्री अपने मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस भी नहीं करा सके तो अध्यक्ष ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आखिर में कार्यवाही को मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित हो गए। तीसरी खबर पर अगर नजर आ रही तो संसद में हंगामे के बाद पीएम मोदी बोले कि विपक्ष को महिला और दलित मंत्री रास नहीं आए हैं। जी हां, हंगामे पर मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि मैं सोच रहा था कि आज सदन में उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में महिला सांसद, दलित भाई, आदिवासी किसान परिवार के सांसदों को मंत्री परिषद में मौका मिला है। उनका परिचय करने का आनंद ही कुछ अलग होता, लेकिन शायद देश के दलित, महिला, ओबीसी किसानों के बेटे मंत्री बने हैं ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आई, इसलिए उनका परिचय तक नहीं मिला। पांच के पंच में चौथी खबर पर अगर नजर डालते हैं तो रायपुर में 3 करोड़ के हीरे चोरी हुए। यहां रायपुर के सदर बाजार इलाके में सोमवार को चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। नगीना जेम्स नाम की एक दुकान से 3 करोड़ के हीरे जवाहरात चोरी हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सराफा कारोबारियों की भीड़ जमा हुई। इस वारदात के पीछे नगीना जेम्स शॉप में काम करने वाले एक युवक प्रकाश पर शक, जो घटना के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पांच के पंच में आखिरी और पांचवी खबर है जहां भारतीय जर्नलिस्ट दानिश की मौत हुई थी, वहां पाकिस्तान और तालिबान के झंडे एक साथ लहरा रहे हैं। जी हां, अफगानिस्तान के जस्ट स्पीन गोंडक इलाके में 16 जुलाई को भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। अब वहां तालिबान और पाकिस्तान के झंडे एक साथ लहराते दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के लिए पाकिस्तान का समर्थन खुलकर सामने आ गया है। हाल ही में पाकिस्तान के 10,000 लड़ाकों को अफगानिस्तान के वॉर जोन भेजा गया है, जिनका मकसद साफ दिखाई देता है। आज के लिए पांच के पंच में बस इतना ही। कलम फिर लौटेंगे शोरी करके। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।